देखिए शाम के बज गए हैं 5:30। तो मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ थोड़ी सी। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, गैस को जला देते हैं। बहुत थोड़ी सी सब्जी बनाएंगे। अब आप लोग देखिए, सिर्फ 2 बैंगन और 1 शिमला मिर्च, ये देखिए छोटे छोटे बैंगन कल मंगाए थे। तो देखिए हम आप बैंगन कैसे बनाएंगे। मेरे अकेले की सब्जी बन रही है, देखिए इसको मैं 4 पीस कर दूंगी, देखिए बिल्कुल, लेकिन अलग नहीं करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे बैंगन हैं, सिर्फ ये देखना है कि कीड़े तो नहीं है, और ये डंठल भी हम नहीं अलग करते हैं। बैंगन जो है बिल्कुल भी खराब नहीं है। अब ये देखिए ऐसे मैंने काट लिया, और मेरा तेल गरम है। अब इसी तेल में हम इसको जो सब्जियां पक गई वो सब निकाल लेते हैं। गैस को हम कर देते हैं बंद। सब्जी पक गई, इसको सबको निकाल लेंगे। इस तेल ज्यादा है, तेल को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों कढ़ाई में मैंने तेल निकाल लिया, बहुत बिल्कुल नाम मात्र को आधा चम्मच तेल है। ये देखिए मैंने जीरा और सौंफ डाला। सौंफ जरूर डालिए, पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं जरूर डालती हूँ हर सब्जी में। इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज बहुत बारीक मैंने चॉप किया है। ये देखें ये हरा मिर्चा और थोड़ा सा प्याज, और गैस थोड़ा स्लो कर देते हैं। देखिए प्याज भून गया है। अभी जो हमारा मसाला मिक्स रखा है इसको हम डाल देते हैं। इसमें डालते हैं थोड़ा पानी। ये जो प्लेट में लगा हुआ इसलिए इसको थोड़ा सा टेस्ट कर देते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम इसी समय कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कड़वाहट नहीं आती, कलर वाली है। मसाला पक रहा है, तब तक ये जो हमारे बैंगन है इसमें हमने थोड़ा मसाला बना के रखा हुआ है, और इसको मैं बैंगन के अंदर डाल दूंगी। ये देखिए अदरक लहसुन और धनिया का पेस्ट है। अब ये जो बैंगन है अदरक लहसुन का पेस्ट है, इस बैंगन के अंदर हम भर देते हैं। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंदर नमक हो जाएगा, खाने में फीके नहीं लगेंगे। ये देखिए ये पेस्ट मैं बना के रख लेती हूँ। ये देखिए अभी पानी और पड़ेगा। अब ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए मैं 1/2 स्पून बेसन डालूंगी। आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं, काजू का पेस्ट डाल दें, मूंगफली का पेस्ट डालें, दही डालें, मैंने बेसन इस्तेमाल किया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए पानी डाल के हम भूनेंगे, क्योंकि बेसन कच्चा है। अब डाल देते थोड़ी सी हींग, ये बंधानी हींग है पतंजलि की। और अब हम डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर, क्योंकि बैंगन है ना, बैंगन बिना खटाई के बनता नहीं है। तो अगर आम के पास आपके पास आम हो तो आम डाल दीजिए, और आम नहीं है तो अमचूर डाल दीजिए। ये देखिए खट्टा बैंगन अच्छा लगता है। अब इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं। देखिए हींग की महक बहुत अच्छी आई है। देखिए बेसन भी पक गया है, स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार हुई। आप भी बनाइए आज शाम, बैंगन की सब्जी के नाम कर दीजिए। ये देखिए
अब इसको मसाला जितना ही हम भूनेंगे, क्योंकि मेरा तेल कम है तो हम पानी डालते रहते हैं, पानी डाल के इसको पकाते हैं, क्योंकि मसाला ही मेन चीज होता है। मसाला अगर कच्चा है तो हल्दी कच्ची लगेगी, धनिया कच्ची लगेगी, तो मसाला बहुत देर तक पकाया जाता है। या तो आप तेल में पका लें, पानी में पका लें, पकाना तो ही है, तो मैं तो पानी में पकाती हूँ। ये देखिए, अब जब पक जाएगा तो बड़ी अच्छी से महक आने लगती है। देखिए ग्रेवी पक गई है, ये बेसन भी पक गया, तो इसमें शिमला मिर्च, बैंगन और एक भिंडी, अब इसको डाल देंगे। ये देखिए अब ये पका हुआ है मेरा, कम से कम 80% पका हुआ है। अब इसके अंदर हम ऐसे चलाते रहेंगे जिससे रसा जो कटा हुआ है चारों वाला ये बैंगन, इसके अंदर ये ग्रेवी जो है अंदर चली जाए। इसलिए हम एक मिनट इसको और कुक करेंगे, सिर्फ एक मिनट। देखिए अब देखिए दोस्तों, गैस हमने कर दी बंद। अब देखिए सब्जी को हम परोसेंगे। ये मेरा शिमला मिर्च, ये मेरा बैंगन, ये मेरी भिंडी, देखिए सब कुछ है इतनी सब्जियों में, सब कुछ है। ये देखिए वो ग्रेवी है, ग्रेवी खाते समय आप ऊपर से डाल दीजिए। ये देखिए, तो कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी सब्जी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन अभी इसमें कुछ वर्क बाकी है, चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें हम ये देखिए डालते हैं मलाई, बैंगन का स्वाद बढ़ाने के लिए। ये देखिए बैंगन का स्वाद बढ़ाइए, मलाई डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा। ये देखिए अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं, देखिए हरी धनिया, ये थोड़ा सा प्याज। आप देखिए, बताइए आपको कैसी डिश लगी ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल। ये देखिए तो ये आपकी डिश तैयार है। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। मिथिला जी की दुनिया आप लोगों के प्यार से बनी है और आप लोगों के प्यार का इंतजार रहता है कि आप लोग देखोगे देखोगे। ये देखिए, तो चलिए अब ये जो मेरी मलाई बची हुई है मैं इसको ग्रेवी में डाल दूंगी, तो ये ग्रेवी का टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। ये देखिए ये मलाई जो है ना, इसको अभी हम जब खाना खाने बैठेंगे तब खाने के ऊपर से डाल देंगे। ये तो इसको अभी हम ढकते ढकते तो इसको हम गाढ़ी ही रखेंगे ऐसे। तो चलिए अब आपको मेरी डिश तो पसंद आई ही है, पक्का है कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे, वीडियो पूरा वॉच करोगे। थैंक यू।